ये जो तुम नाटक कर रहे हो ना, फेक हो तुम सबके सब, फेक फेक बंदे। लड़कियों को भी खेलना जानते हैं और अपने शब्दों से इंसान को पलटना घुमाना सब जानते हैं वो। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि अभिषेक को समर्थ कई बार पोक करते रहते हैं और उनकी मेंटल हेल्थ का भी मजाक उड़ाते रहते हैं, तो ये सब काफी बुरा हो रहा है उनके साथ। तो इस चीज के ऊपर अभिषेक के दोस्त का रिएक्शन आया है जो एक है। ये जो सब बोल रहे हैं ना दोगले डबल स्टैंडर्ड वाले की अनसेफ फील कर रहे हैं, फलाना सेफ फील कर रहे हैं, भाई सारे फुद्दू बंदे हैं। भाई मुन्नावर कल भी लड़ाई में जानबूझ के उसने अरुण के साथ लड़ाई करी ताकि अभिषेक और समर्थ की लड़ाई के बीच में ना जा सके। आज भी जब वो बेचारा अभिषेक इसके पास चल के आया वैलिडेशन मांगने के लिए, भाई मुन्नावर ने साफ मना कर दिया। भाई किस तरह के बंदे हो यार तुम लोग, किस तरह के बंदे हो। इंसानियत होती है, एक मर्दानगी होती है, एक मैन टू मैन कनेक्ट होता है यार, वो सब किसी में नहीं है यार। मेरे को लगता था कि मुन्नावर कहीं ना कहीं फिर सही है, लेकिन तू नहीं सही ब्रो, तू सच में घटिया है। जो तेरे बारे में बाहर बातें हो रही है ना वो बिल्कुल सही हो रही है। इन सबसे अच्छा ना भाई राइडर था, UK 07 राइडर अनुराग दोबाल एक नंबर बंदा था, सही को सही बोलता था। नील तुम सबसे अच्छा था। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो अभिषेक के दोस्त थे, लेकिन उनके सही स्टैंड्स थे यार। अनसेफ फील कर रहे हो तुम, उसका पैटर्न बन गया है भाई। उस तुम्हारे मेंटल पीस पे कोई आता ना, तुम्हारे ट्रॉमा पे आता, तुम्हारे वो इलाज पे आता ना, तुम्हें तब पता चलता। बाहर बैठ के तालियां मारनी बहुत आसान है, मैदान में आके देखो कि कितनी मेहनत और कितना दम लगता है। ये जो तुम नाटक कर रहे हो ना, फेक हो तुम सबके सब, फेक फेक बंदे। एंड द नेक्स्ट अपडेट में जैसे कि आपको पता होगा कि अभिषेक कुमार को बिग बॉस 17 से एविक्ट कर दिया गया है, तो ये चीज के ऊपर अब खा जा रहा है कि वापस री एंट्री हो सकती है, जिस चीज के ऊपर उनके दोस्त ये भी है। तो फिर घूम के आता ही है वापस, ठीक है जी। ईशा ने कल अपने एक्सेप्ट कर लिया कि वो जो मैंने फोन वाला टास्क था समर्थ को जितवाया था, ठीक है वहां पे भी अभिषेक का स्टैंड सही हो गया। फिर उसके बाद कल ईशा ने बोला कि तू पोकिंग का किंग है एंड तू सबसे ज्यादा पोकिंग करता, उसकी हालत देख क्या करती है। फिर समर्थ ऐसे रोया जैसे अभिषेक रो रहा था, आप समझ रहे हो ना, कर्मा सारा कुछ घूम के आना है वापस। अब दूसरी बात ये कर लेते हैं, सीजन 16 में जब अर्चना ने भी हाथ उठा दिया था तब उसको भी बहुत उसके बाद रियलाइजेशन के बाद शो में लाया गया था। फिर सीजन 15 में करण कुंद्रा से रिफ्लेक्स हो गया था, जब उसने उठा के प्रतीक को नीचे पटक दिया था वो रिफ्लेक्स हो गया था अपने MMA स्टाइल में, तो उसको भी वापस लाया गया था। लेकिन जो आज का मुद्दा है, जो मेन हॉट टॉपिक बना हुआ है आज का, अभिषेक वापस आएगा कि नहीं आएगा, वो भाई पूरे पूरे चांसेस हैं कि वो वापस 100% आएगा। क्यों? क्योंकि भाई उस बंदे में बहुत काबिलियत है, बहुत उसका सिस्टम सही है, सही सही बातों पे मुद्दा उठाता है। रही बात, सब बोल रहे थे कि खानजादी पे वो कर्मा घूम के आया, फलाना घूम के आया, भाई वो अभिषेक ने खुद ने स्टार्ट नहीं करा, खानजादी ने खुद बताया था। और जब अभिषेक को पता चला था तो उसने बहुत सॉरी मांगी थी। जितना ईशा और समर्थ पोक करते हैं किसी ने भी। दोस्तों हाल ही में ईशा मालिया की माँ अभिषेक कुमार के ऊपर लीगल एक्शन लेने वाली है, जो इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हुए ये कहे, ईशा को हर बार इस लड़के ने बेरहमी से कैरेक्टर एसिजनेट किया है, मुझे भी नहीं बख्शा, ये गेम मेंटल स्ट्रेंथ का है, इतना ट्रॉमेटाइज था तो पता था ईशा आने वाली है बीबी में, तो फिर आई है क्यू शो में, लीगल एक्शन बनता है ऐसी हरकतों पर, अब भी अब चुप है सिर्फ और सिर्फ ईशा के लिए, हर बार ईशा को बेच शेम ऑन यू, हर बार ईशा को बीच में लाने के लिए। और उन लोगों को भी शर्म आनी चाहिए जो ये एग्रेसिव नेचर को सपोर्ट करते हैं। तो इस चीज के ऊपर फलकनाज का रिएक्शन आया है जो कुछ ये है, चलो जी कुछ और ही नहीं मिला तो लीगल एक्शन ले लो और कुछ, यही उम्मीद लगाई जा सकती है बस। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में मुन्नावर के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने कई बार लड़कियों के साथ बहुत गलत किया है, जिस चीज को हाल ही में अंजलि अरोड़ा ने सबके सामने लाया है और कुछ ये कहा। विद वर्ड्स एंड गर्ल्स वेरी वेल, दिस इज फॉर मुन्नावर फारूकी। शब्दों के जादूगर हैं लेकिन लड़कियों, हाँ लड़कियों को भी खेलना जानते हैं और अपने शब्दों से इंसान को पलटना घुमाना सब जानते हैं वो। ये क्यों कह रहे हो आप ऐसा? क्योंकि बहुत बहुत क्योंकि बहुत उन्होंने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी अभी आई डोंट नो कितनी है जो भी बाहर आनी बाकी है। और ये किस आधार पर आप कह रहे हो? किस आधार पर? आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स बट आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम ऑन दिस। दोस्तों का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।